नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कालांचो के प्लांट के बारे में। और ये पिछले साल का मेरा देखिए कालांचो है, और आप लोगों ने मेरे कालांचो का वीडियो बहुत पसंद किया था और पूछा भी था जब आप कटिंग लगाते हैं तो हमें ज़रूर दिखेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो है इसका, नया प्लांट कैसे मैं बनाता हूँ और कटिंग को कैसे प्रोपागेट करता हूँ, आइए देखते हैं। कालांचो दोस्तों नवंबर से अभी अप्रैल मई तक लगातार खिल रहा था, और देखिए अभी इसका हालत थोड़ा ख़राब हो गया है। देखिए कंडीशन बिल्कुल बुरा है दोस्तों, और इसी टाइम में ही आपको कटिंग बना लेना चाहिए। देखिए जो प्लांट सूख गया है वहाँ से मैं कटिंग ले लिया हूँ, नहीं तो ये दोस्तों पूरा सूख जाता है। और इसी तरह आप छोटा छोटा कटिंग ले लीजिए इसका, 2 से 3 इंच का, अगर उससे छोटा भी है तो लग जाता है। और इसके लिए देखिए दोस्तों मैं लिया हूँ सैंड और कोकोपीट। कोकोपीट है नीचे और ऊपर है रिवर्स सैंड, बारीक सैंड दोस्तों, जो पतला वाला सैंड आता है, और मोटा सैंड आप मत लीजिएगा। और ये देखिए ये सब कटिंग है, सब अलग अलग कलर के कटिंग है, और अलग अलग कलर के कटिंग में अलग अलग जार में लगाऊंगा। और बहुत आसान तरीका है दोस्तों, इसे बिना रूट हार्मोन के मैं लगा दूंगा देखिए। और ये बेस्ट टाइम होता है क्योंकि बारिश आने से पहले आपका अगर रूट आ जाता है दोस्तों तो नए पॉट में आप शिफ्ट कर सकते हैं इसको। और देखिए इसी तरह आप एक एक करके सब कटिंग लगा दीजिए, और नीचे का पोर्शन शार्प कटना चाहिए दोस्तों, वो टेढ़ा मेढ़ा कटेगा तो नहीं होगा, पूरा शार्प काटना चाहिए। ब्लेड से आप काटिए या फिर कोई कटर से काटिए, और नीचे का पत्ता आप हटा दीजिए ताकि अंदर दबाने में इसको आसानी हो। और इसी तरह आप लगा दीजिए दोस्तों। और देखिए दिन में बहुत तेज़ धूप आ रहा है तो मैं शाम को ही ये वीडियो बना रहा हूँ, तो फ्लैश लाइट में ये शूटिंग कर रहा हूँ दोस्तों। और इसका पत्ता को भी आप अगर यहाँ दबा देंगे तो वहाँ से भी रूट आ जाता है, तो पत्ता भी मत फेंकिए, उसे भी जार के अंदर दे दीजिए। और ये जार को रखना है आपको दोस्तों साइड में या ग्रीन नेट के नीचे, और मीडिया को मॉइस्ट रखना है आपको, और नीचे ड्रेनेज होल रहना चाहिए दोस्तों। और ये देखिए ये ऑरेंज है, और ऑरेंज में फूल भी अभी तक है दोस्तों नवंबर से, देखिए अभी लगातार, लेकिन फूल को मैं हटा दूंगा क्योंकि फूल रहने पर रूट आने में थोड़ा दिक्कत होगा। और बर्ड्स भी हटा दूंगा मैं, देखिए और बर्ड्स नहीं हटाता तो ये भी फूल खिलते दोस्तों, लेकिन अभी फूल में वो मज़ा नहीं आएगा, और कटिंग भी इसका बनाना बहुत ज़रूरी है। ये जो देख रहे हैं आप मेरा ऑरेंज का डबल है दोस्तों, ऑरेंज बहुत बढ़िया कलर रहता है, और सब कलर मैं अलग अलग जार में लगा रहा हूँ, और बाद में मार्कर से लिख दूंगा दोस्तों, नहीं तो बाद में ये सब अगर एक जार में आप लगा देंगे तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, और ऐसे अलग अलग लगाना ही ठीक रहता है। मेरे पास टोटल 7 कलर हैं, और इसीलिए मुझे 7 जार लेना पड़ेगा। और आज मैं 3 कलर का कर रहा हूँ दोस्तों, कल मैं और 4 कलर का कर लूँगा, और एक साथ सबका करना आसान नहीं होता है, और मार्कर से लिख देना भी ठीक रहता है, तो बाद में आपको पता चलेगा कौन सा कटिंग चल गया और कौन सा नहीं चला। लेकिन इस तरीके से दोस्तों मेरा हर साल मैं कटिंग बनाता हूँ, और देखिएगा ये 90% सक्सेस आता है। 1-2 खराब होने पर चल जाता है दोस्तों, लेकिन बहुत इफेक्टिव तरीका है। और ये जार के अंदर करना ही ठीक रहता है, और जार का ऊपर आप खुला रखिएगा, बंद मत कीजिएगा, नहीं तो मॉइस्चर आ जाता है। और देखिए ये भी इसमें भी बर्ड्स आ गया है, तो बर्ड्स हटा देते हैं, और नीचे का पत्ता, और बहुत आसानी से ये रूट पकड़ लेगा दोस्तों 15-20 दिन में। और जैसे ही बारिश आ जाएगा दोस्तों इसको मैं नए नए पॉट में शिफ्ट कर दूंगा, और वहाँ पे भी मीडिया में दूंगा कोकोपीट और सैंडी सॉइल। और कालांचो का मैं वो लिंक भी दे दूंगा दोस्तों, इसका कटिंग मैं कैसे लगाता हूँ, तो आप वो देख लीजिएगा रूट होने के बाद। और अभी तो रूट कैसे बनाना है वो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ आपको। और ये देखिए ये है मेरा मैजेंटा कलर दोस्तों, पर्पल बोल सकते हैं। इस जार के अंदर मॉइस्चर बना रहता है, और इसीलिए रूट भी आसानी से आ जाता है, और मीडिया भी लाइट मीडिया है, सैंड और कोकोपीट, और कुछ भी नहीं दिया हूँ मैं दोस्तों। और इसमें आपको पानी डालना है हर दिन एक बार, और नीचे ड्रेनेज होल अच्छे से रहना चाहिए 4-5,
तो पानी तो ड्रेन आउट हो जाएगा और कोकोपीट के लिए मीडिया मॉइस्ट रहेगा और बहुत जल्दी इसमें रूट आ जाएगा। और रूट बनाना बहुत आसान है दोस्तों। बाकी लोग बोलते हैं हमारा कालांचो का कटिंग नहीं लगता है, लेकिन इस तरीके से आप कीजिए आपका सब कटिंग लग जाएगा, गारंटी है मेरा, बिना रूट हार्मोन के। और अगर आप रूट हार्मोन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और एक बात है दोस्तों, जब आप इसे बारिश में लगाते हैं तो फंजीसाइड देना मत भूलिएगा। अभी तो फंजीसाइड नहीं चाहिए, अभी नहीं गलेगा ये, और या फंगस भी नहीं लगेगा इसमें क्योंकि समर चल रहा है। और लगाने के बाद हम वाटरिंग कर देते हैं, वो भी दोस्तों हाथ से स्प्रिंकल करके। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, आप किसी मग में मत दीजिए, हाथ से ही डाल दीजिए। और जब इसमें आप पानी देंगे तो भी आपको स्प्रे से या शावर से देना पड़ेगा। अगर नहीं देते हैं तो जार के अंदर होल हो जाता है क्योंकि लाइट मीडिया है। और इसी तरह आप छिड़क के दीजिएगा पानी, और ये आपको रेगुलर देना है दोस्तों, इसको मॉइस्ट रखना है। और ऊपर का पोर्शन आपको खुला ही रखना है, और इसको आप रख देना है आपको छांव में या ग्रीन नेट के नीचे। और मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका दिखाऊंगा रूट कैसे आ गया और मैं इसे कैसे लगाया। और एक लिंक मैं दे दूंगा दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा मैं कालांचो का कैसे देखभाल करता हूँ और उसका केयर कैसे करता हूँ। ये देखिए, ये मेरा नवंबर लास्ट का है वीडियो, और देखिए कैसा बढ़िया रिजल्ट आया था। अगर आप भी ऐसा अपने घर को भर देना चाहते हैं कालांचो के पौधे से, कालांचो का जंगल बना देना चाहते हैं, तो अभी से कटिंग लगाना शुरू कर दीजिए। ये एक एक प्लांट दोस्तों 150-200 रुपया प्राइस आता है, तो बहुत कॉस्टली प्लांट है। इसीलिए जितना हो सके आप कटिंग लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट बनाइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।